अज का जो उपदेश पातशाह जी ने सानू बख्शिश किया है धनासरी महला पंजवा औखी घड़ी ना देखन दे अपना बिरध संभाले दीन दुनिया के मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें पातशाह धनासरी राग दे विच ये शब्द उच्चारण करते हैं कि जेड़े भी गुरसिख प्यारे उस परमात्मा के नाम के नाल जुड़े रहिंदे हन उसके नाम की बंदगी करते हैं सिमरन करते हैं उस दियां सेवावां दे विच जुड़े रहिंदे हन गुरु साहिब जी कदे भी उन्हां नूं औखी घड़ी भाव कदे भी औखा समां नहीं देखण दिंदे पातशाह जी सदा ही अपने सेवकां दे अंग संग रहिंदे हन सदा ही अंग संग हो के सहाई हुंदे हन जदों मन करके कोई भी गुरु घर की सेवा कीती होवे मन करके बाणी पढ़ी होवे ते उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है हो सकता समा लग जाए पर एक कदे नहीं हो सकता कि चंगे कर्मां दा सानू फल ना मिले हाथ दी राख अपने को सास सास प्रत पाले वो परमात्मा सदा ही साढ़े सिर ते मेहरा भरिया हथ रख करके हमेशा ही साढ़े अंग संग रहिंदा है ते साढ़ी प्रतपालना करता है गुर मेरा संग सदा है नादे सिमर सिमर तिस सदा संभाले जेड़ा परमात्मा साढ़े सदा अंग संग रहिंदा है उसनू सदा ही ध्यांदे रहना ये साडा असल फर्ज है दुनिया ते साडा आया हुआ सफला भी तद ही है जे असी परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़दे हाँ ते जेकर उसकी बंदगी ना कीती बंदगी करन वाले नू ही बंदा कहा जाता है कर बंदे तू बंदगी जिचर घट महसा हे बंदे तू बंदगी कर कदों तक जिचर घट मैं सा जदों तक तेरे शरीर दे विच उस परमात्मा दे बख्शे हुए श्वास चल रहे हैं उदों तक उस दे नाम नूं ध्योणा कर उस दा सिमरन कर प्रभ सिंह लाग रहे मेरा चीत हे वाहिगुरु ऐसी कृपा करो ऐसी दया करो कि मेरा मन जो है वह हमेशा ही तुहाडे चरणों के विच जुड़िया रहे ते ऐसी बेनतियां जो हन यह भी सच है कि परमात्मा की कृपा तो बिना ऐसा बेनतियां भी कदे नहीं कर सकते क्योंकि साड़िया होर ही होर मंगा बहुत हैं जड़िया कदे पूरियां होंदिया हन कदे नहीं पूरियां होंदिया हुण इह दास एक बेनती करे कि रोस ते साडा सारी जिंदगी परमात्मा नाल रहिंदा है कि सानू आ नहीं मिलिया वो नहीं मिलिया बहुत सारिया इशावां इस मन के अंदर फुरने बनते हैं पर सच जाणियो जिस दिन सानू शुकराना करना आ गया उस दिन सानू सारिया दुनियावी दातां मंगणियां भुल जाणगियां क्योंकि मेहनत ते हर कोई दिंदा है कि हे वाहिगुरू मेरे लिए तुसीं कीता ही की है मैं तेरे नाम दे नाल भी जुड़दा हाँ मैं गुरु घर जा करके नतमस्तक भी हुंदा हाँ सेवावां भी करदा हाँ पर मैनू मिलिया तो कुछ भी नहीं ये जो साडे मन दे बहम भरम हन असीं परमात्मा नूं मीणा मरदे हाँ पर साध संगत जी जिथे गुरु साहब जी ने सानू इतना सोहना शरीरक चोला बख्शिश कर दिता मैं समझदा हाँ कि उत्थे मंगण की कोई लोड़ नहीं रह जाती क्योंकि जड़े लूले लंगड़े होंदे हन जिन्हां नूं परमात्मा ने शरीर का एक दो अंग जड़े जिन्हां नूं नहीं मिले होंदे
वो भी असी अपनियां अखां दे नाल किरत करदे देखे हन। वो जिंदगी दे विच किरत करदे करदे भी परमात्मा दे नाम नूं ध्योंदे रहिंदे हन ते उस नूं शुकराना करदे रहिंदे हन। ते जेकर हुण सानूं सोहना शरीर भी मिलिया है, सोहना घर बार मिलिया है, हर तरह का सानूं खाण नूं भोजन मिलिया है, फिर भी जेकर असी परमात्मा का शुक्र नहीं कर सकते, इस तो वड्डी साडे लई कोई मंदभागी सोच कई नहीं हो सकती। इस करके असल गुरसिख उही हुंदे हन जिहड़े हर वेले हर सवास के नाल उस परमात्मा का शुकराना करते रहते हैं। मन बिलास भय साहिब के अचरज देख वडाई, प्रभ सो लाग रहे हो मेरा चीत, आदि अंत प्रभ सदा सहायता न हमारा मीत। वो परमात्मा के नाल जो सा मिलाप हो जाता है, जो सा मन जुड़ जाता है, ते मन दे विच आनंद पैदा हुंदा है, ते वो परमात्मा सदा ही साडी अंग संग होके सहायता करता है। आदि अंत प्रभ सदा सहाय धन हमारा मीत। जिहड़ा प्रभु परमात्मा साडे जन्म तों लै करके साडी मौत तक सदा अंग संग होके सहाय हुंदा है, इस दुनिया दे विच भी ते दुनिया तो जाण तो बाद भी दरगाह के अंदर सहाय हुंदा है, इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। वो परमात्मा धन है, धन हमारा मीत। असल सज्जन मित्र साडा वो है जिहड़ा सदा ही साडे दुख सुख दे विच सहाय हुंदा है, जिहड़ा साडे दुख सुख नूं समझदा है। उस तो बगैर दुनिया ते कोई भी सच्चा सज्जन मित्र नहीं हो सकता। रहाओ मन विलास भये साहिब के अचरज देख वडाई, उस परमात्मा की खेड देख करके उस दिया ये जो खेडा हैं, ये सारी सृष्टि कायनात जिसने साजी हुई है, उसनों देख करके एक सेवक के मन के खुशहाली पैदा होती है कि हे वाहिगुरु तू धन है, धन हन तेरे सेवक, धन तेरी वडियाई, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। जिहड़े सेवक जिहड़े गुरसिख पैरे उस परमात्मा की खेड नूं समझ जाते हैं कि उस तो बगैर दुनिया ते कोई भी कुछ करन वाला नहीं, एक सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा है जिहदे हुकम दे विच सारी सृष्टि चलती है, जदों गुरसिख प्यारे नूं इह समझ आ जाती है तां उह हमेशा ही मन दे विच खुशहाली उसते रहती है, उह सदा ही आनंद माणदे हन। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। जिहड़े गुरसिख प्यारे सदा ही सिमरन दे विच जुड़े रहते हैं, हर श्वास के नाल सतनाम श्री वाहिगुरु का मूल मंत्र का जाप करते हैं, पासे फरमाते हैं कि उन्होंने गुरु साहब जी अपनी शरण के विच रख लेंदे हैं, उन्होंने लजपत आप ही रखते हैं। दुनिया के विचों किसी भी इंसान के अगे द्वारा अपने सेवक को झुकन नहीं देंदे, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। पूरा गुरु अपने सेवकों की सदा ही लाज रखता है, इसलिए सदा ही सानू उस परमात्मा के सिमरन के नाल जुड़ना चाहिए है जिसने ये सानू मनुखा जीवन बख्शा है। ये मनुखा जीवन के विच ही असी परमात्मा के नाम को ध्योना कर सकते हाँ, नहीं तो जितने भी जीव जंतु देखते हाँ वो खाते पीते दौड़ते वो भी हैं, पर गुरु की शरण के विच नहीं आके बैठ सकते। 84 लाख जूनां दे विचों एक मानस की जून ऐसी है कि असी पातशाह जी की गोद दे विच बैठ करके उसके नाम नूं ध्योना कर सकते हाँ, ये साडे वड्डे भाग हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिहड़े नशियां दे विच ही गुलतान होए रहिंदे हन। अज 9-10 साल के बच्चे जिहड़े नशियां दे विच भिज्जे हुए हैं, टीके लगाउंदे हन,
तरह तरह के नशे करते हैं। उन्होंने माँ बाप को जेकर कोई पूछा जाए कि तुहाडा की हाल है, वो माँ बाप कदे भी अपना हाल नहीं बयान कर सकते। इसलिए सानू हमेशा गुरु साहब जी का शुकराना ही करना चाहिए है कि पातशाह जी ने तरस करके सानू अपनी मौत दे विच बैठन का सुभाग बख्शिया है। इत्थे दास एक बेनती करे कि आप जी धन हो, क्योंकि आप जी गुरु की शरण के बैठते हो, तो जेकर आप जी बैठते हो तो सच जाण्यो आप जी के बच्चे कदे भी गलत राह ते नहीं पै सकते। जो बेनती दास ने पहला की सी कि घर के जो भी प्रशादा पानी तैयार करते हाँ, उदों जिहड़े असी होर दुनियावी जिहड़े भी यूट्यूब ते असी जो भी लगा के देखते हाँ, इधर उधर लिया वायरल होने वीडियो देखते हाँ, जां कुछ भी देखते हाँ, लंगर बनाते समय उन्हां चीज़ों तो संकोच करके बाणी का जाप करिए, सतनाम वाहिगुरु का जाप करिए, जां अपने कोल मोबाइल दे विच शब्द लगा के रख लो, कथा लगा के रख लो, तां जो साडा ध्यान है वह गुरु साहब जी की शरण दे विच रहे, गुरु साहब के चरणों दे विच रहे। ऐसा प्रशादा जदों साढ़े बच्चे छकणगे वो गुरु का लंगर बन जाएगा, तो बच्चे साढ़े शक करके कदे भी गुराहे नहीं पै सकते। ये बिल्कुल सच है। इस करके सदा ही सानू नाम के नाल जुड़े रहना चाहिए है। आओ एक दो मिनट ले वाहिगुरु मंत्र का जाप करिए, उपरंत समाप्ति है। वाहिगुरु 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 वाहे गुरु। सारी संगत कृपा करो, वाहिगुरु वाहे गुरु, 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 वाहिगुरु वाहे गुरु।
सोहइया भुलों की खिमा जी, आओ इतें ही फतेह की सांझ करिए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।